हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आपको जो हाइबिस्कस का फर्टिलाइज़र है उसके बारे में बताऊंगा। और जैसे दोस्तों अभी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो रहा है और हाइबिस्कस बहुत ज़्यादा गर्मी में अपनी जो बर्ड्स हैं वो फॉल करने लग जाते हैं, अभी क्या है अभी ये बहुत अच्छे से ब्लूम करेंगे। इनको और अच्छे से ब्लूमिंग लेने के लिए हम एक फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं जो कि बहुत ही ईजी है और सभी जो चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी से या बहुत ही आसानी से आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। जैसे अब दोस्तों सबसे पहले देख सकते हो जो मेरे पास सभी ये जो हाइबिस्कस हैं ये सभी हाइब्रिड हाइबिस्कस हैं जो कि ग्राफ्टिंग के थ्रू तैयार किए जाते हैं। ये सभी जो कलर्स डिफरेंट हैं और सम ऑफ द जो हाइबिस्कस हैं बाई कलर्स हैं, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे पर अभी आई थिंक वो नहीं सेल करते इसलिए मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकता। पर आप अपनी नर्सरीज़ में लोकल नर्सरीज़ में भी जाके पूछ सकते हैं क्योंकि उनके पास जो हाइबिस्कस आते हैं जैसे कोलकाता से पुणे से वहाँ पे भी ये कलर्स मोस्टली अवेलेबल हो जाते हैं और वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे जो हाइबिस्कस के पौधे होते हैं इनको जो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसको बहुत ही अच्छी सॉइल प्रिपेयर होनी चाहिए तभी ये बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है। और हाइबिस्कस को ग्रो करने के लिए जो पॉट की रिक्वायरमेंट होती है वो नियर अबाउट 8 inches या 10 inches तक होनी चाहिए या उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये एक तरह की वुडी ग्रोथ भी कर लेता है। और हम इसको अभी फर्टिलाइज़र डालेंगे। फर्टिलाइज़र के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे खाद रखी है और एक को मैंने छान कर रखा है और एक दूसरी आप देख सकते हो रॉ मटेरियल है जो मेरे पास काउडंग कंपोस्ट का। और मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे हम रॉ मटेरियल डालते हैं इसमें काफ़ी सारे जो ग्रास के सीड्स होते हैं या कोई भी और जो वीड्स होते हैं वो सभी के सीड्स इसमें मिक्स होते हैं इसलिए ये इतनी अच्छी नहीं होती डालने के लिए। मैंने डाली थी जिसके साथ क्या हुआ था, मेरे पौधों में काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे वीड्स उगाए थे। इसको मैंने क्या किया था, एक दिन पहले इसको पूरी तरह से छान के जैसे आप देख सकते हो इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और इसके बीच में मैंने एक दिन पूरा इसको सुखा लिया और जिसके साथ मोस्ट ऑफ द जो सीड्स हैं जो वीड्स के बहुत बड़े बड़े इसमें सीड्स थे वो मैंने सभी निकाल लिए। और ये एक तरह की प्रोसेस्ड हमारे पास गोबर खाद होगी जो हमारे पौधे के लिए एज ए स्लो लीजिंग फर्टिलाइज़र काम करेगी। यहाँ पे काफ़ी दोस्त वर्मिंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं बट मेरी फर्स्ट मेन प्रायोरिटी हमेशा गोबर खाद रहती है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये स्लो लीजिंग फर्टिलाइज़र होता है। आपके हाइबिस्कस में 3 to 4 months मैक्सिमम इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको डाल लेंगे। और साथ में दोस्तों मैंने दो और केमिकल सब्सटेंस लिए, एक तो फंजीसाइड लिया है क्योंकि काफ़ी कबार क्या होता है हमारे हाइबिस्कस की जो स्टेम्स होती हैं उसमें फंगस आ जाती है इसलिए मैंने फंजीसाइड 2 tablespoons मैंने मिक्स किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो वाइट कलर का सब्सटेंस है अभी मैं उसको अच्छे से मिक्स करने वाला हूँ। फंजीसाइड के साथ हमारा एक ये भी फ़ायदा होता है कि हमारे जो प्लांट्स के पत्तों पे भी फंगस आ जाती है वो भी कम आती है क्योंकि हमारे पास जो फंजीसाइड के एलिमेंट्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं फंगस से और जिसके साथ हमारा जो पौधा हमेशा हेल्दी रहता है। और साथ में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे मोस्ट ऑफ द हाइबिस्कस हैं ये मैंने ब्लैक पॉली बैग्स में ग्रो किए हुए हैं और हमारे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम इसको ब्लैक पॉली बैग में भी ग्रो करें। एज़ यूजुअल ये ग्रो होता है, आप नर्सरीज में भी देखते होंगे उनकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है हाइबिस्कस की अगर उन्होंने ब्लैक पॉली बैग्स में लगाए होते हैं। और अभी हम इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे जो हमने बनाया जिसमें हमने सिर्फ फंजीसाइड का यूज़ किया और नॉर्मल जो गोबर खाद है उसको पूरी तरह से छान कर हमने इसमें मिक्सड अप किया है। हम यहाँ पे गुड़ाई करके डालेंगे। गुड़ाई करने के क्या फ़ायदे हैं कि जब हम कोई भी फर्टिलाइज़र गुड़ाई करने के बाद डालते हैं वो पूरी तरह से मिक्सड अप हो जाते हैं हमारे पौधों के साथ जिसके साथ जो भी उसमें कंटेंट है जो भी इसके लिए फर्टिलाइज़र है वो बहुत अच्छे से इसको मिल जाता है कोई भी प्लांट हो चाहे हाइबिस्कस चाहे रोज़ हो। और यहाँ पे अभी दोस्तों हमारे पास थर्ड कंटेंट है जो कि इफ़को की तरफ से एक फर्टिलाइज़र आता है जिसको हम नॉर्मली पोटाश बोलते हैं और इसको मैं क्या करूँगा 2 grams in 1 liter वाटर के मिक्सअप कर दूंगा, डिल्यूट कर दूंगा और इसको मैं पूरी तरह से इसकी फॉयलेज पे स्प्रे कर दूंगा। ये एक तरह का फॉयलेज स्प्रे है दोस्तों जिसके साथ पोटाशियम की जैसे हमारे पौधों में कमी हो जाती है या हमारे जो बर्ड्स हैं फॉल ऑफ होने लग जाती हैं वो कम होगी और आपके पौधे पे बहुत अच्छे से ब्लूम्स भी आएंगी। मेरे पौधे पे पहले भी से भी ब्लूम्स आ रही हैं, इसके साथ क्या होगा और बर्ड्स को इन्हांस करेगा और हमारे पौधे पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। और हाइबिस्कस में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये एक हैवी फीडर प्लांट है, इसको हमें गोबर खाद दें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, वर्मी कंपोस्ट भी आप दे सकते हैं जिसके साथ इसकी कंटिन्यूसली ब्लूमिंग होती रहती है और आपके पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके यहाँ पर मिली बग्स का इस पर अटैक होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं जिसके साथ आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर मोस्टली जो मेरे हाइबिस्कस हैं जो हाइब्रिड हाइबिस्कस है इसमें कभी भी मिली
बग्स की प्रॉब्लम नहीं आई है और हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो किया है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके हिबिस्कस प्लांट में, आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका जल्दी से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। साथ ही मैं और वीडियोस भी बनाने वाला हूँ जो कि आप ज़रूर देखिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल मेक वीडियो और आई विल रिप्लाई योर कमेंट। थैंक यू।